नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। देश में कोरोना का कहर जारी है, जहां पिछले 24 घंटे में देश में 3,688 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं इस दौरान 50 लोगों की महामारी के चलते मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिले आंकड़ों के मुताबिक अब देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 18,684 हो गई है। देश में कुल आंकड़ों की बात करें तो 4,30,75,862 लोग संक्रमण की चपेट में आए हैं। राजधानी में कोरोना के शुक्रवार को 1,607 मरीज मिले हैं। खबर आगरा से है, जहां प्राइम टीवी की खबर का असर हुआ है। बूंद बूंद को तरस रहे लोगों की फरियाद अधिकारियों के कानों तक पहुंची है और नल की पाइपलाइन का कार्य शुरू हो गया है। दरअसल मामला थाना मंटोला क्षेत्र का है, जहां काफी दिनों से पाइपलाइन में गड़बड़ी होने के कारण क्षेत्रवासी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे थे। क्षेत्रवासियों की संबंधित अधिकारियों और जल विभाग से काफी नाराजगी देखने को मिल रही थी। साथ ही मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के नाते लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन प्राइम टीवी ने इस खबर को प्राथमिकता से चलाया, जिसका बड़ा असर देखने को मिला है। जिसके बाद जल विभाग के अधिकारियों की नींद टूट गई है और मंटोला के ढोलीखार क्षेत्र में पाइपलाइन को सही करने का काम शुरू हो गया है, जिसके कारण क्षेत्रवासियों की उम्मीद जागी है और लोगों के घरों तक पानी भी पहुंचा है। आपको बता दें कि ट्रैफिक होने की वजह से जलकल विभाग के कर्मचारी रात में काम कर रहे हैं। खबर गाजीपुर से है, जहां नवनिर्वाचित विधान परिषद सदस्य विशाल सिंह चंचल का स्वागत और अभिनंदन किया गया। बीजेपी एमएलसी विशाल सिंह चंचल लगातार दूसरी बार गाजीपुर सीट से एमएलसी चुने गए हैं और शपथ लेने के बाद पहली बार वो गाजीपुर पहुंचे थे, जहां ब्लॉक प्रमुख संघ की ओर से एमएलसी विशाल सिंह का स्वागत और अभिनंदन किया गया। शहर के छावनी लाइन क्षेत्र में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जनपद के विकास का काम करना है। सभी हमारे ब्लॉक प्रमुख संघ की तरफ से ये कार्यक्रम था, सभी हमारे बड़े भाइयों ने एक स्वागत कार्यक्रम रखा था, उसी में आ जाना। दूसरी बार जो चुनौतियाँ और बढ़ जाती हैं, क्या चुनौतियाँ देख रहे हैं? कोई चुनौती की बात नहीं है, पहला कार्यकाल थोड़ा सा टफ रहता है लोगों का समझने में कैसे काम किया जाता है। तो लग रहा है कि अच्छा अनुभव रहा है पहला कार्यकाल, दूसरा शानदार कार्यकाल है। दूसरे कार्यकाल में किस तरह की प्राथमिकता रहेंगी सर आपकी पारी गाजीपुर के विकास को अगर बात करें? देखिए, केंद्र और प्रदेश का बहुत फोकस रहा है गाजीपुर, यह किसी से छिपा नहीं है। तो मुझे लग रहा है जो भी विकास के काम। उत्तर प्रदेश में लगातार धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारना जारी है। इसी कड़ी में कानपुर के उस्मानपुर ईदगाह में लगे लाउड स्पीकर भी उतारे गए। बता दें, पुलिस की मौजूदगी में ईदगाह से लाउड स्पीकर उतारे गए और लगातार कानपुर जिला प्रशासन धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर को हटवाने का काम कर रहा है। यूपी के गाजियाबाद में स्कूल बस में हुई मासूम छात्र की मौत के बाद हुए हंगामे और विवाद की घटना को देखते हुए बलरामपुर जिला प्रशासन भी एक्टिव मोड में है। सड़कों पर चल रहे अनफिट और अवैध वाहनों पर लगाम लगाने के लिए बीते दिन ही वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इस चेकिंग के अभियान की अगुवाई एआरटीओ अरविंद यादव और सीओ सिटी वरुण मिश्रा ने की। इस दौरान बीते दिन कुल 15 गाड़ियों को बंद किया गया। एआरटीओ अरविंद यादव के मुताबिक जिले में स्कूली वाहनों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जो गाड़ियां अनफिट हैं या किसी के तकनीकी खराबी के चलते, उन विद्यालयों के प्रबंधकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जिले में अवैध तरीके से कोई भी गाड़ी नहीं चलने दी जाएगी। एआरटीओ का कहना है कि प्राइवेट बसों की चेकिंग भी की जा रही है। ओवरलोडिंग से संबंधित वाहनों की चेकिंग की प्रक्रिया भी जारी रहेगी। क्षमता से अधिक सवारी मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी घटना हुई थी दुखद थी, उसके परिप्रेक्ष्य में जनपद बलरामपुर में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो भी वाहन अनफिट हैं उनको नोटिस दी जा रही है, उनके खिलाफ बंद और चालान की कार्रवाई की जा रही है और हम टीम बनाकर विद्यालय पर भेज रहे हैं और टीमें वहां जाकर सबको वाहनों को निरीक्षण कर रही हैं। आरआई की टीम
निरीक्षण करने के पश्चात जिसमें कमियां पाई जा रही है, मान्य कर रूप नहीं है, उनको नोटिस दी जा रही है, उस समय के अनुसार अपना सही करवा लें वरना चालान बंद की कार्रवाई की जाएगी। बदायूं में दो पक्षों में विवाद का मामला सामने आया है, जहां एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों पर ईंट से हमला कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके बाद घायल पक्ष के लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी, लेकिन परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने तहरीर लिखने से मना कर दिया है, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने चौराहे पर जाम लगाकर जमकर हंगामा किया। अलीगढ़ में बेखौफ बदमाश लगातार लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कार सवार अज्ञात बदमाशों ने तमंचे की नोक पर गल्ला व्यापारी से 5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए और घायल व्यापारी को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां व्यापारी की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। बता दें कि ये मामला थाना छर्रा क्षेत्र के छोगवा का है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सुभाष। सुभाष जी कहाँ रहते हो? बिजौली। अच्छा, ये क्या मामला हुआ है, पूरी बात बताओ। ये मंडी से आ रहे थे शाम को। कहाँ की मंडी से आ रहे थे? अच्छा, छर्रा। फिर क्या हुआ? वहाँ से पीछे से बैगनार ये पल्सर पर आ रहे थे दोनों, मनोज और सचिन। जी। सचिन चला के लेके आ रहा था, मनोज पीछे बैठा था बैग लेके, तो डेयरी जाते हैं और उधर से वापसी है जब शाम को 6:30 के लगभग, ये तुरंत पीछे से बैगनार आई है और तेज गति से और पीछे से टक्कर मार के ये गिरा दी। खबर रायबरेली से है, जहां एक मुस्लिम महिला ने अपने पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि उसके पति ने उसे 3 बार ट्रिपल तलाक दिया और 2 बार उसका हलाला उसी के देवर से कराया गया। पीड़िता मिल एरिया थाना इलाके के एक गांव की रहने वाली है। बता दें इस महिला ने 3री बार ट्रिपल तलाक देने पर बगावत कर दी। दरअसल 3री बार तलाक के बाद पति अपने बहनोई बुधई से हलाला कराना चाह रहा था। इतना होने के बाद मुस्लिम महिला ने पति का घर छोड़ दिया और मायके पहुंचकर महिला ने सीओ सिटी को पूरी व्यथा बताई, जिसके बाद सीओ सिटी वंदना सिंह के आदेश पर पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजिया बानो। कहाँ की रहने वाली हो? खरथुलवा की रहने वाली। क्या है मामला आपका? हमारा मामला ये है, मोहम्मद आरिफ के साथ 2015 में शादी हुई, उसके बाद उन्होंने तलाक दे दिया 3 बार। फिर मोहम्मद जाहिद के साथ अपने भाई के साथ निकाह पढ़ा हलाला कराया, फिर उन्होंने 3 बार फिर तलाक दिया, फिर उसके बाद 3 महीना 13 दिन के बाद फिर मोहम्मद आरिफ के साथ फिर निकाह हुआ, फिर उन्होंने तलाक दे दिया। मैम, ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया था, क्या है वो मामला? एक दिन मेरे कार्यालय पर एक महिला उपस्थित हुई, उन्होंने बताया कि मेरा निकाह जिस परिवार में हुआ था तो मेरे पति ने एक बार तलाक ट्रिपल तलाक दिया, उसके बाद उसका हलाला उनके भाई से कराया गया, फिर पुनः निकाह हुआ, फिर उन्होंने दोबारा इसी तरह से ट्रिपल तलाक दिया और फिर उनका हलाला और निकाह की बात बताई, और उसके उपरांत उन्होंने कहा कि जब उन्होंने 3री बार यही प्रक्रिया अपनाई तो वो मेरे समक्ष उपस्थित हुई। दूसरा हलाला किससे हुआ था? दूसरा हलाला भी अपने भाई से, मतलब रायबरेली के ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन में आग लगने की स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की गई। इस दौरान फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और झाड़ियों में लगी आग पर काबू पाया गया। एनटीपीसी की पीआरओ कोमल शर्मा ने बताया कि आग लगने की स्थिति से निपटने के लिए और रिस्पॉन्स टाइम चेक करने के लिए ऐसी मॉक ड्रिल कराई जाती है। अलीगढ़ जिले में इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद बिना लाउड स्पीकर के मस्जिदों में नमाज अदा की गई है, जहां ऊपरकोट कोतवाली क्षेत्र के जामा मस्जिद पर और कुआरसी क्षेत्र के जीवनगढ़ में शुक्रवार को बिना लाउड स्पीकर के जुमात अल विदा और ईद उल फित्र की मौके पर जुमे की नमाज अदा की गई। इस दौरान मस्जिदों में नमाज को लेकर पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पर आरपीएफ पुलिस बल सहित पुलिस की टुकड़ियां लगाई गई। अलीगढ़ जिले में पहली बार मस्जिदों पर बजने वाले लाउड स्पीकर उतारे जाने के बाद बिना लाउड स्पीकर के ही जुमे की नमाज अदा की गई थी। नमाज अदा करने के बाद ऊपरकोट कोतवाली क्षेत्र जामा मस्जिद इलाके के निवासी
मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि इंशाअल्लाह जैसा योगी जी चाहेंगे वैसा ही होगा। मस्जिदों में लाउड स्पीकर से नमाज अदा नहीं हुई, इसका उन्हें जरा भी अफसोस नहीं है, बल्कि मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर की वजह से उनका भाईचारा खत्म हो रहा था। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उनके लाउड स्पीकर पर नमाज पढ़ने से उनके किसी भाई को परेशानी होती है तो वो मस्जिदों पर लगे उन लाउड स्पीकरों को सबसे पहले उतरवा देंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा, जब से करोना काल लगा है आज पहली बार हमें एक साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाई है, और हम यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री साहब से हमारी यही गुजारिश है, जैसे आज नमाज हुई है इसी तरह हमारी नमाज होती रहे और हम उनके साथ हैं। सुरक्षा बेहतरीन, और मैं दुआ करता हूँ और वो करता हूँ अपनी प्रार्थना के हमारे थाना अध्यक्ष हैं, CEO साहब हैं और SSP साहब हैं और SPCT साहब है, इन सबका शुक्रगुजार हैं हम लोग। लाउड स्पीकर नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं है इसकी, हमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारा भाईचारा खत्म हो रहा है, भाईचारा। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस सरोकार।